हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे, स्वाहादेव इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 एवं 11 के लिए समान रूप से उपयोगी, कक्षा 9 एवं 11 के लिए समान रूप से उपयोगी जो टॉपिक है बायोलॉजी में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, बायोलॉजी में चैप्टर 1 है और उसका जो सबसे समान रूप से उपयोगी टॉपिक है वह है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, क्यों उपयोगी है इसके विषय में चर्चा हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो में ही हमने बता दिया था कि क्यों इसको हमको सबसे पहले, चूंकि चैप्टर 1 के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग पहले ही पढ़ रहे हैं इसलिए चैप्टर 1 हमने लिख रखा है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे है ये बता दिए हैं। तो इसके संदर्भ में इस चैप्टर में हम लोग जब शुरू किए थे तो कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले कोशिकांगक हैं उनके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उन कोशिकांगकों के क्रम में हमने माइटोकांड्रिया पढ़ लिया है, हमने प्लास्टिड पढ़ लिया है, हमने राइबोसोम पढ़ लिया है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है, हमने गॉल्गी बॉडी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के विषय में। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के विषय में कि ये लाइसोसोम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइसोसोम यह भी एक कोशिकांगक है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक, कोशिकांगक मतलब कोशिका का अंग, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर जो सारे कोशिकांगक आपको बना करके दिखाए थे कि उसके साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकांगक स्थित रहते हैं, तो उस कोशिकांगकों में यह लाइसोसोम एक प्रकार का यह भी कोशिकांगक है। ठीक, तो लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाई डी डूबे, इनका है डी डूबे ने किया था 1949 में, इसका खोज किया था और किसमें खोज किया था, मैक्सिमम या एनिमल सेल में ही देखा जाता है, क्योंकि खोज में भी जब इन्होंने खोज किया था तो एनिमल सेल के जंतु कोशिका के साइटोप्लाज्म से इसका खोज किया था, जंतु कोशिका के साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम को निकाला था किसने, डी डूबे ने। सर 1949 में डी डूबे ने एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म से निकाला था, देखा था किसको, लाइसोसोम को देखा था। ठीक है, क्योंकि जब लाइसोसोम को देखा और लाइसोसोम की जब उपयोगिता देखी गई तो उपयोगिता के आधार पर इनको बाद में जाकर के कई वर्षों के बाद इनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन शुरू में इस पे ध्यान नहीं दिया गया, बाद में पता चला कि यह कितना उपयोगी चीज है। ठीक, तो देखिए उसके हमको डेट से हमको कोई मतलब नहीं है कि कब उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हमको वो चीजें याद कर रखना है। तो इसे जो है मैक्सिमम एनिमल सेल में ही देखा जाता है, लेकिन न्यूरोस्पोरा नामक शैवाल, इसे न्यूरोस्पोरा नामक एक शैवाल है, न्यूरोस्पोरा नामक शैवाल में भी इसे देखा गया था। ठीक, न्यूरोस्पोरा नामक शैवाल में भी इसे देखा गया था, इसको लाइसोसोम को। ठीक है, अब देखिए कि ये लाइसोसोम, अब देखेंगे जैसे हमने माइटोकांड्रिया पढ़ा था तो उसका एक स्ट्रक्चर बताए थे हम, इस तरह का होता है, हमने गॉल्गी बॉडी पढ़ा था उसका भी स्ट्रक्चर बताए थे, हमने राइबोसोम पढ़ा था उसका भी स्ट्रक्चर बताए थे, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था उसका भी स्ट्रक्चर हम बताए थे, परंतु ये जो लाइसोसोम है वह इसका कोई एक निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है कि यह किस रूप रंग आकार का होगा, किस रूप रंग आकार का होगा, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बहुरूपता, यानी कि बहुरूपी है, रूप इसका चेंज होता रहता है, कोई एक निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है जिसको बना करके शो कर दिया जाए। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होता है, लिख रखे हम बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है बहुरूपता, कोई निश्चित आकार नहीं है, जैसे यह चाहे बना सकते हैं। इसमें लगभग 400 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, 400 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, पाचन करना, किसी भी चीज का पाचन करना, एंजाइम्स का काम ही होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर मटेरियल में तोड़ना पचाना। ठीक है, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, पचाना, एंजाइम्स का काम ही होता है। इसमें 400 प्रकार के कुल एंजाइम पाए जाते हैं लगभग। इसे कोशिका के आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, कोशिका के आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह कहा था किसने, यह डी डूबे ने ही कहा था, इसको नाम दिया था कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ द सेल।
इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल एडी दुबे ने ही कहा था, ये कोशिका की आत्महत्या की थैली है। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा गया कि यह करता क्या है कि जैसे कोशिका में किसी भी पूरी एक आपकी सेल है, यह पूरी आपकी सेल है, इस सेल में बहुत सारे कोशिका अंगक है, यहाँ आपका न्यूक्लियस है, इसे मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, यहाँ आपका गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये गॉल्गी बॉडी हो गया आपका, और यहीं पर राइबोसोम, इसे लगा हुआ राइबोसोम है, यहीं पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी कोशिकांगक जो पाई जाती है, तो अगर किसी भी वजह से किसी कोशिकांगक को चोट लगी या फिर क्षतिग्रस्त हुआ या फिर किसी भी कारण से यह अगर कोई भी इसमें से कोशिकांगक, जो इस कोशिका के अंदर जितने कोशिकांगक पाए जा रहे हैं, कोई भी कोशिकांगक अगर क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्षतिग्रस्त कोशिका अगर डेवलप करेगी तो उसमें कैंसरस रूप ले लेगा, और यह जब एक कोशिकांगक कैंसरस हो जाएगा तो पूरी कोशिका को जहर फैलेगा, पूरी कोशिका को खराब करेगा। इसलिए ऐसी कंडीशन न आए तो यह करता क्या है, लाइसोसोम क्या करता है, इसमें एंजाइम्स पाए ही जा रहे हैं, उस कोशिकांगक को पहचानता है और उसके पास जा करके खुद फट जाता है। जब उसके पास जा करके फटेगा तो उसमें से निकलेंगे एंजाइम, और वो एंजाइम क्या करेंगे, उसी को संपूर्ण कोशिकांगक को ही पचा देंगे। साइटोप्लाज्म में यही कहीं है आपका लाइसोसोम, मान लीजिए लाइसोसोम है, यही कहीं है साइटोप्लाज्म में। सपोज करिए कि माइटोकांड्रिया क्षतिग्रस्त हो गई है, तो लाइसोसोम इसमें फटेगा और फटने के बाद इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्ट करके उसको खत्म कर देगा, पुनः नए कोशिकांगक का निर्माण हो जाएगा, दूसरा नया कोशिकांगक फिर बनेगा बाद में। लेकिन इस पुराने जो क्षतिग्रस्त जो खराब पड़ी कोशिका है, इस खराब पड़ी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। भाई यह अपने मर्जी से आत्महत्या कर लेता है, खुद फट जाता है और फट करके दूसरे को नष्ट कर देता है। ठीक, दूसरा क्या है, इसे स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। स्कैवेंजर ऑफ सेल डी दुबे ने नहीं कहा था, यह दूसरे वैज्ञानिक ने कहा था। स्कैवेंजर ऑफ सेल कहा जाता है कि जैसे कोशिका में कोई भी, अगर मान लीजिए कि इसके कोशिका के इस साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में कोई अनवांटेड चीज घुस गया, ठीक है, कोई अनवांटेड मटेरियल इसमें घुस गया, तो अनवांटेड मटेरियल अगर घुस जाएगा तो ये करेगा क्या, ये लाइसोसोम क्या करता है, उस अनवांटेड मटेरियल को वहां से निकाल करके बाहर कर देता है, स्कैवेंजर का काम करता है, इनको तुरंत क्या करेगा, पकड़ेगा और पकड़ के खत्म कर देगा। तो खत्म कैसे करेगा, जाहिर सी बात है एंजाइम पाया जा रहा है, खराब चीजें जो भी घुसेंगी उनके पास जाएगा, उनको डाइजेस्ट कर लेगा या फिर उनके पास फट करके उनको नष्ट कर देगा। यानी कि सेम काम जो ये सुसाइड बैग वाला था, तो इसमें तो खराब पड़ी कोशिका को फट करके नष्ट कर रहा था, और यहाँ पर जो मान लीजिए अगर कोई आ गया, अनवांटेड चीजें आ गया इसमें कोशिका के अंदर, तो उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, और खींच के अपने अंदर क्या करता है, ये पचा देता है, जाकर के उनके पास जाकर पचा देता है। ठीक है, तो ये काम करता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत काफी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भाई मान लीजिए कि हमारा पूरा शरीर जो है ये ऑर्गन्स है, तो ये जो पूरा शरीर है, एक मान लीजिए किसी भी अंग को ले लीजिए, आप हार्ट को ले लीजिए, हार्ट भी एक अंग है, वह अंग बना ऊतक से, ऊतक बना कोशिका से, और उस कोशिका में भी कोशिकांगक होंगे, सारे कोशिकांगक होंगे जो जंतु में पाया जाता है। अब मान लीजिए हार्ट को हमारे किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चोट लगी और हार्ट का माइटोकांड्रिया क्या हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया। हार्ट का माइटोकांड्रिया क्षतिग्रस्त होगा तो प्रॉपर वे में हार्ट को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, काम नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या, दिक्कत होगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जब अगर लाइसोसोम पाया जा रहा है, लाइसोसोम हर्ट में है, तो करेगा क्या लाइसोसोम, लाइसोसोम तुरंत फटेगा वहां पर और उस खराब माइटोकांड्रिया को हटा देगा और पूरा नई माइटोकांड्रिया वहां पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम करता है, ये इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, इसलिए क्या किया गया, बाद में डी दुबे को इनके इस इंपॉर्टेंट खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है,
तो ये लाइसोसोम, अब ये देख लिया आपने लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही सेंटिसोम नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब फंक्शन देख लीजिए कि कार्य क्या है लाइसोसोम के, तो लगभग लगभग कार्य हमने बता ही दिया है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का काम हमने आपको बता ही दिया है कि है क्या। अगर इसके काम से देखने से पहले हम लोग इसे थोड़ी सी काइंड्स पढ़ लें, काइंड्स ऑफ लाइसोसोम, तो फिर फंक्शन देखा जाए सही रहेगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ लाइसोसोम, ठीक देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार, कितने प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। तो अगर लाइसोसोम के प्रकार देखा जाए तो लाइसोसोम मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, आपके प्राइमरी लाइसोसोम चार होते हैं, तीन नहीं, प्राइमरी लाइसोसोम, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड ऑटोफेजिक वेसिकल्स, फिर फोर्थ है आपका रेजिडुअल बॉडी। ये चार प्रकार हैं आपके लाइसोसोम के, ये चार प्रकार हैं मेनली लाइसोसोम के। तो लाइसोसोम ये चार जो प्रकार है, चारों प्रकारों को हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या आखिर। हमने आपको जब आपको गाल्गी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहे थे तो वहीं से हम बताए थे आपको एक चीज कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनते हैं, वह प्रोटीन क्या होते हैं कि राइबोसोम के द्वारा बनते हैं, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका राइबोसोम स्थित है और वहीं पर गाल्गी बॉडी भी होता है, तो गाल्गी बॉडी में आकर के क्या होते हैं कंसंट्रेशन, उस प्रोटीन का कंसंट्रेशन सांद्रण होता है, सांद्रित किया जाता है, सांद्रण उनका बढ़ता है और उसके बाद उसमें से कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वह रिस करके पहुंचते हैं किसमें, लाइसोसोम में, लाइसोसोम में जाकर के स्टोर होते हैं, वहीं से लाइसोसोम का बनता है, वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन के वही प्रोटीन जो बनते हैं राइबोसोम के द्वारा, और राइबोसोम से बन करके आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्गी बॉडी में सांद्रित हुए और गाल्गी बॉडी से कुछ क्या होते हैं प्रोटीन, वो पहुंच जाते हैं एक अलग गोले का नहीं, कुछ प्रोटीन ही अलग हो जाते हैं, पूरे पूरे सिस्टम से प्रोटीन अलग हो जाते हैं और एक गोले का निर्माण कर लेते हैं जिसे लाइसोसोम नाम दिया गया है। ये पहले से उपस्थित नहीं है, यह बना हुआ है, कोशिकांगक से ही निर्मित है। ठीक है, वहां पर बताए थे आपको, तो वही अब प्राइमरी लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वह प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण गाल्गी बॉडी से या गाल्जी काय से, गाल्जी बॉडी या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, गाल्गी बॉडी या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्माण होता है, किस चीज का आपका प्राइमरी लाइसोसोम का। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स है, इसमें क्या होता है स्टोर होता है मटेरियल, क्या होता है स्टोर फॉर्म में रहता है, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स है, इसमें ज्यादा एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, डिफरेंट एंजाइम नहीं होते, एक ही प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स का मतलब यह अभी एंजाइम्स को सिर्फ और सिर्फ स्टोर करके रखने का काम करता है, यह फंक्शन परफॉर्म, जो फंक्शन आपको बताए थे ना कि फटना फट करके नष्ट कर देना, यह फट करके नष्ट करने का काम अपने ही नहीं फटेगा, प्राइमरी नहीं फट जाएगा, ये सिर्फ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स का काम करता है, यानी एंजाइम्स को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है,
सेकेंडरी लाइसोसोम किसे कहते हैं, हम लोग देख लीजिए सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है। अब प्राइमरी जो लाइसोसोम है, यह प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम या पिन्नोसोम, जब प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम या पिन्नोसोम से जुड़ जाता है तब निर्माण होता है सेकेंडरी लाइसोसोम का। अब बात आती है फैगोसोम क्या है, पिन्नोसोम क्या है। फैगोसोम का तात्पर्य होता है इंगल्फ करना किसी सॉलिड मटेरियल का। इंगल्फ मतलब कि अंदर लेना, निगलना, घोटना, जो भी समझ लीजिए। अगर किसी कोशिका के द्वारा, किसी जीव के द्वारा, जैसे जो भी जहां भी यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कोशिकांगक है, लाइसोसोम एक कोशिकांगक है, तो लाइसोसोम के विषय में बात के अंदर पर के हम आपको फैगोसोम पिन्नोसोम समझा रहे हैं। अगर कोई जीव किसी सॉलिड मटेरियल को निगलता है, निगल लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, फैगोसोम। अगर कोई जीव अगर लिक्विड मटेरियल निगलता है तो उसे कहते हैं पिन्नोसोम। तो ये कोशिकांगक है, तो आपको जीव का उदाहरण देके समझाएं जिसे समझना आसान रहेगा। ये कोशिकांगक है, अगर लाइसोसोम के द्वारा कोई सॉलिड मटेरियल इंगल्फ किया जाएगा अपने अंदर तो उसको कहेंगे हम लोग फैगोसोम। अगर किसी लिक्विड मटेरियल को इंगल्फ करेगा अपने अंदर तो उसे कहेंगे पिन्नोसोम। तो जब यह फैगोसोम या पिन्नोसोम से जुड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। फैगोसोम यानी पिन्नोसोम कौन है कि जैसे कि अनवांटेड जो मटेरियल है, कोई सॉलिड पार्टिकल आया तो उसको अपने अंदर ले लेगा, कोई लिक्विड अनवांटेड मटेरियल है उसको अपने अंदर ले लेगा, अभी अंदर ले लेगा, उनको डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। तो ये चूंकि एंजाइम है, डाइजेस्ट करेगा, खत्म कर देगा, ये फैगोसोम या पिन्नोसोम हो गए जो जुड़ जाता है। ऑटोफैजिक वेसिकल क्या होता है, ऑटो मतलब सू, ऑटो मतलब क्या होता है, खुद, और फैजिक का मतलब क्या होता है कि निगलना, खुद में अंदर जाना। फैजिक मतलब कि खुद के अंदर जाना। तो ऑटोफैजिक वेसिकल, वेसिकल मतलब गोला होता है, तो ऑटोफैजिकल वेसिकल क्या होता है इसमें देख लीजिए, यही जो लाइसोसोम है, आपको अभी बताए हैं हम, समझाए हैं कि ये जो आपका मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में कोशिकांगक है, आपका माइटोकांड्रिया है, क्षतिग्रस्त होगा तो या तो इसके पास जाकर के फट जाएगा, फट करके इसको नष्ट कर लेगा, या फिर इस संपूर्ण कोशिकांगक को ही क्या करेगा, या अपने अंदर निगल लेगा। आपको बताया गया ना कि ये पहले से बना हुआ नहीं है, यह बनता है दूसरे कोशिकांगकों के द्वारा, निर्माण होता है लाइसोसोम का। तो यह लाइसोसोम क्या करेगा, अगर संपूर्ण कोशिकांगक को अपने अंदर ले लिया किसी कोशिकांगक को, तो इस लाइसोसोम की इस अवस्था को कहते हैं हम लोग ऑटोफैजिक वेसिकल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब लाइसोसोम किसी कोशिकांगक को अपने अंदर ले लेता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोफैजिक वेसिकल कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता है कि किसी कोशिकांगक को अपने अंदर ले लिया, और कोशिकांगक को जब अपने अंदर ले लिया तो उस अवस्था को कहते हैं ऑटोफैजिक वेसिकल कहते हैं। अब हुआ रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी क्या है, रेजिडुअल का मतलब होता है कि बचा हुआ। तो रेजिडुअल बॉडी क्या होता है, जब इस लाइसोसोम के अंदर के पदार्थ, जो ये लाइसोसोम है
ये लाइसोस कोशिकांगक है, कोशिका है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम। जब लाइसोसोम के अंदर के पदार्थ, मान लीजिए कि ये क्या किया, किसी कोशिकांगक को अपने अंदर लिया, इसको डाइजेस्ट किया, तो अपने अंदर ही तो रखेगा नहीं, इसको क्या करेगा, फिर बाहर करेगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से इसकी दीवारों के द्वारा यह कोशिका से बाहर फेंक दिया जाए, कोशिका बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आके रक्त में मिलेगा और फिर मूत्र के माध्यम से सांद्रित होकर के बाहर चला जाएगा शरीर से। तो ये क्या करेगा, ये लाइसोसोम जब कोशिकांगक को लिया है तो इसको डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि एंजाइम है इसमें डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद अपने अंदर से क्या करेगा, निकाल देगा जो वेस्ट मटेरियल होगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा, कोई भी अपने शरीर से त्यागता है तो ये अपने शरीर से त्याग देगा। तो जब यह अपने अंदर के द्रव्य को त्यागता है अपने शरीर से बाहर, तो अपने शरीर से बाहर त्यागेगा तो कहां जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि लाइसोसोम जब अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को कोशिका के कोशिका द्रव्य में निकाल देता है तो उस लाइसोसोम को रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। लाइसोसोम जब अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को कोशिका के कोशिका द्रव्य में निकाल देता है तो उस लाइसोसोम को क्या कहते हैं, रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपके काइंड लाइसोसोम के चार प्रकार है आपको दिख दिए। प्राइमरी लाइसोसोम स्टोरेज फार्म में होता है, एक ही प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, गाल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम जब फैगोसोम या पिंडोसोम से जुड़ जाता है, कोई बाहरी पार्टिकल जो सॉलिड के रूप में आया है वह अंदर चला गया लाइसोसोम के, या कोई लिक्विड पार्टिकल बाहरी जो आया है वह चला गया लाइसोसोम के अंदर, जो बताया था ना स्क्वैंजर ऑफ द सेल, तो वह काम करता है तो चला गया, तब इसे सेकेंडरी लाइसोसोम। ऑटोफैजी वेस्किल जब पूरा कोई कोशिकांगक को ही चोट लग गया है और पूरा कोशिकांगक ही घुस गया लाइसोसोम के अंदर, तब इसे ऑटोफैजिक वेस्किल रेजिडुअल बॉडी। अब पचाने के बाद जब वह खराब पदार्थों को कोशिका द्रव के अंदर बाहर फेंक देगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेजिडुअल बॉडी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रकार। अब काम देख लीजिए, मिटा देते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का फंक्शन कुछ बताना नहीं है, लाइसोसोम का फंक्शन तो समझ लीजिए कि हमने आपको पहले ही बता दिया। अब आपको पहले ही लाइसोसोम का फंक्शन बता दिया कि पहला क्या है, आप इसमें लिख सकते हैं अंतःकोशिकी, अंतःकोशिकी, अंतःकोशिकी एवं बाह्यकोशिकी, एवं बाह्यकोशिकी, अंतःकोशिकी एवं बाह्यकोशिकी पाचन, ठीक है, अंतःकोशिकी एवं बाह्यकोशिकी पदार्थों का पाचन, ये क्या होता है, ये टर्म भी समझ लीजिए, पदार्थों का पाचन करना काम है किसका, लाइसोसोम का। अंतःकोशिकी का मतलब कोशिका के अंदर जो पदार्थ है, एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर लाइसोसोम है, इसके अंदर अगर कोई वेस्ट, कोई क्या है, फॉरेन मटेरियल सॉलिड के रूप में या लिक्विड के रूप में घुस गया है तो वहां पर इसको पचाने का अगर काम करता है लाइसोसोम तो उसको अंतःकोशिकी पाचन करेंगे। और दूसरा काम यह भी करता है कि यह लाइसोसोम के अंदर मान लीजिए अगर कोई भी नहीं घुसता है तो यह अपने एंजाइम्स को छोड़ देता है साइटोप्लाज्म में, और अपने एंजाइम को जब साइटोप्लाज्म में छोड़ता है तो साइटोप्लाज्म की से क्या होता है, यह रिस करके इस दीवार से रिस करके सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिस करके पहुंच जाते हैं कोशिका के बाहर, और कोशिका के बाहर जाकर के जब यह पाचन करता है किसी अन्य पदार्थ, चूंकि एंजाइम है इसमें, अब एंजाइम जब जाएगा बाहर और यहाँ पर किसी मटेरियल को पाएगा तो उसको पचा देगा, तो जब यह पाचन इस कोशिका से बाहर हो रहा है तो बाह्य कोशिकी हो गया,
और इसके अंदर हो रहा है, इसी कोशिका के अंदर जहां लाइसोसोम पाया जा रहा है, तो आपका अंतःकोशिकीय। तो अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय दोनों पाचन का काम कौन करता है? आपका लाइसोसोम करता है, ठीक है। दूसरा चीज हम आपको बताए थे कि आप कमजोर पड़ी कोशिकाओं में फट करके उन्हें क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। आपको अभी बताया है कि सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, लिख नहीं रहे हैं आप अपने लिए बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। कमजोर पड़ी कोशिकाओं में फट करके नष्ट कर देता, समझाए हैं अभी हम आपको कि माइटोकांड्रिया है, कोई क्षति हो गई तो क्षति हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, तो होगा क्या, उसको क्या करेगा, फटेगा, अपने फट करके उसको नष्ट कर देगा, फिर नया जो बढ़िया माइटोकांड्रिया बनेगा वो उसके लिए फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और दूसरा जो है लास्ट चीज का है, कोशिका विभाजन का प्रारंभ करना, कोशिका विभाजन का प्रारंभ करना, यह भी लाइसोसोम का काम है। तो ये हमारा लाइसोसोम कवर हो गया, लाइसोसोम खत्म।